जब हमारे घर की बेटियां जवान होती है ना, तो सबसे पहले माँ बाप की बहुत सी चिंताएं बढ़ जाती है। उसकी शादी करवानी है, फिर उसका फ्यूचर, बेटी बड़ी कैसे होगी, दहेज कैसे। फिर दहेज अभी अभी बहुत जगह पे बंद है, फिर भी अभी भी इंडिया में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे दहेज प्रथा अभी भी है। बिहार, पटना, इन सारी जगह पे दहेज अभी भी लिया जाता है, दिया भी जाता है। क्योंकि मेरे घर में खुद ऐसे एक इंसान मौजूद है, एक रेंटर ऐसे हैं जो अभी से बताते हैं कि मैंने 20-30 लाख रुपए रख दिए हैं अलग से, क्योंकि मेरी बेटी की शादी में कुछ दहेज देने हैं। बट उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब जब अपने बेटे की शादी करवाएंगे तो वो दहेज नहीं लेंगे। बट एक खैर, एक स्टेप उन्होंने आगे बढ़ाया इस चीज़ पे कि वो अपने बेटे की शादी में नहीं लेंगे। इस सोच को ही मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी सोच ही आगे बढ़ाती है। तो आज मैं इस वीडियो बताने वाली हूँ कि जो जवान बेटी, जब बेटियाँ जवान होती है ना, तो कौन सी बातें हमें उन्हें नहीं कहनी चाहिए, कौन सी बातें ऐसी होती हैं जो उनकी स्टेप को फिर रोक देता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, उनकी सोच को डेवलप नहीं होने देता, या फिर खुद आप अपनी बेटी को डेवलप नहीं होने देते। नंबर वन, बात बात पे ससुराल का रेफरेंस देना। अभी इतना ज़्यादा खा रही हो, शादी के बाद सिर्फ लात खाओगी। इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हो, शादी के बाद पति के सामने बोल ही नहीं पाओगी, या फिर सासू माँ के सामने। इतनी आज़ादी तुम्हें मिल रही है शादी के बाद, ये आज़ादी कहाँ जाएगी, हम भी देखेंगे। अलग से कमरा चाहिए, क्या करोगी लेके शादी के बाद, फिर तो तुम्हें ससुराल में जाके रहना है, वगैरह वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। खाना बनाना नहीं आता, शादी के बाद हमारी नाक कटवाओगी, ऐसी बहुत सी बात। ससुराल का रेफरेंस देके एक लड़की को ह्यूमिलेट किया जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है, ये भी कह सकते हो कि उसके डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आप उसको ये भी तो कह सकते थे कि खाना बनाना नहीं आता तो आगे जाके जब नौकरी करोगी तो मैं इसका खाना खाना पड़ेगा, या फिर वो बाहर के गंदी सी भद्दी सी खाना खाना पड़ेगा, आज माँ के हाथ का स्वाद खा खाना खा रही हो, कल कैसे खाओगी। या फिर ये आपको बोलना पड़ेगा कि आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करती हो, कल कल गला खराब हो जाएगा। या फिर ये भी कह सकती हो कि मेरे सामने बात कर रही हो, कल बॉस के सामने कैसे ये सोची आवाज़ में बात करूंगी। ये भी तो रेफरेंस दिया सकता है, कि रेफरेंस क्या सिर्फ लड़कियों के लिए ससुराल का ही होता है। नंबर टू, जब एक बेटी को बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प होता है ना, तो माँ उसे ये सलाह देती है, दादी ये सलाह देती है कि इतना सा सिर्फ मासिक धर्म का तुम दर्द नहीं सह पा रही हो, तो जब हमने बच्चा पैदा किया था तो इससे 100 गुना दर्द हमने सहा था, तो वो दर्द कैसे सहोगी। भाई ये कहाँ की बात हुई कि कब जाके पेड़ पे आम उगेंगे और हबी से हम अपने मुंह में तेल लगा के रखें, ये कहाँ की बात हो गई। कब जाके हम बच्चा पैदा करेंगे, अभी से पीरियड क्रैम्प वो क्यों सहना। आप उसको ये भी तो सिखा सकते हो कि पीरियड क्रैम्प से कैसे बचा जाए, आप उसे ये भी सिखा सकते हो कि इससे बचने का रास्ता कौन सा होता है। बहुत सारे होम रेमेडीज ऐसे होते हैं, DYY होता है, बहुत आप उसे ये सलाह दे सकते हो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो तो एक पेन किलर खा लो, इस दर्द को सहने का नहीं इसे बाहर आने का रास्ता आप उसे दिखाओ। भी आपकी बेटी कभी भी किसी गलत चीज़ पर आवाज़ उठाती है, आप उसे ये बोल के चुप करा देते हो कि लड़कियों को इतनी बात नहीं करनी चाहिए, या फिर ये बोल के चुप करवा देते हो कि लड़कियों को इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को हमेशा चुप ही रहना होता है, उसको सैक्रिफाइस करना होता है, तभी घर में शांति रहती है। आप उसको चुप रह के सिर्फ बेवकूफ बनाना सिखा रहे हो, क्योंकि आगे जाके जब उस पर अत्याचार होगा, आगे जाके भी जब उसके साथ कोई गलत चीज होगी तो वो आवाज उठाना भूल जाएगा, या फिर वो अपने साथ हो रहे अन्याय का जवाब मांगना भूल जाएगा। हो सकता है कि आगे जाके आपकी बेटी जॉब करे तो बॉस के हाथों से उसको आप नहीं बचा पाओगे, कोई ऐसे इंसान जो आपकी बेटी को बेवकूफ़ बना जाए उसके हाथ से भी आप अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे। तो अब चुप रहकर अपनी बेटी को बेवकूफ़ बनाना नहीं, उसको जवाब मांगकर साहसी बनना सिखाओ, आत्मविश्वास को बढ़ाना सिखाओ। यस, जिस जगह पे आपको चुप रहना चाहिए वो सिखाओ कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चुप रह के उसको बैलेंस कर सकते हैं। बहुत से सिचुएशन ऐसे होते हैं जो अगर हम चुप रहे, हम गलत नहीं है, तब भी अगर हम चुप रह जाए तो बात का बतंगा नहीं बनता, वो सीख अलग होती है। बट अगर हम आप अपनी बच्ची को ये सिखा रहे हो कि एक लड़की हो तो तुम्हें चुप रहना चाहिए, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं, तो तुम अपनी बच्ची के भविष्य को खराब कर रहे हो, क्योंकि तुम जिंदगी भर जिंदा नहीं रहोगे पर तुम्हारी बच्ची जो है
वो अपना फ्यूचर कभी प्लान नहीं कर पाएगी। जब भी आपकी बेटी कभी आपके सामने ये बोले कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए या फिर ये दिला दो, हमेशा आप उसे ये बोलते हो कि अपनी सारी ख्वाहिश अपने पति के लिए बचा के रखो। ये कहाँ की बात हो गई भाई। हो सकता है कि आपकी बेटी कभी शादी ही ना करे, हो सकता है कि उसकी किस्मत में शादी लिखा ही ना हो, तो आप अपनी बच्ची की सारी ख्वाहिशों को गला घोट दोगे ये बोल के कि वो उसके पति के लिए है। बेचारी जिंदगी भर यही सीख के साथ बड़ी होगी कि मेरा पति मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अगर उसकी बाई चांस शादी हुई भी और उसका पति वैसा नहीं निकला, कभी उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया या फिर उसकी ख्वाहिशों को भी पूरा ही नहीं किया, मतलब कि उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो आपकी बेटी जो है ना जिंदगी भर घुट घुट के जिंदा ही मर जाएगी। तो अब और बेचारे जो पति हैं उसके ऊपर भी अनचाही जिम्मेदारी आ जाएगी कि मेरी बीवी की सारी ख्वाहिशें मुझे पूरा करनी है। आप अपनी बच्ची को ये सिखाने के बजाय कि तुम अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, तुम्हारे पीछे हमने बहुत खर्चा किया है, बहुत पढ़ाया है, बहुत लिखाया है, अब खुद के पैरों पे खड़े हो, जॉब करो, नौकरी करो, अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करो और हमने जो अपनी ख्वाहिशों का गला दबाया है वो भी पूरा करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप के प्रति। ये मैं नहीं सिखा के तुम उसे ये सिखा रहे हो कि पति के सैलरी के आधे हिस्से तुम इसी पे खर्च कर दो कि तुम्हें अपने ख्वाहिशों को पूरा करना है। ये सिखाओ कि आगे जाके तुम्हें अपने पति के साथ खड़ा रहना है घर को संभालने के लिए, क्योंकि एक के इनकम से अभी घर नहीं चलता। तो बच्ची को ये नहीं सिखाओ कि उसे अब किसी पे बोझ बनना है, किसी पे डिपेंड करना है, बल्कि ये सिखाओ कि खुद कैसे सेल्फ डिपेंडेबल बना जाए। वजन बढ़ा लो, वजन घटा लो, काले हो तो लेप लगा लो, गोरी हो तो और थोड़ा सा अपनी स्किन को चमकाओ, बालों पे ध्यान दो, इतना बाल मत काटो, छोटे छोटे बाल लड़कियों पे अच्छे नहीं लगते, वगैरह वगैरह बहुत सारे एडवाइस देते हो इसलिए कि उससे शादी करनी है। गोरी हो तो और गोरी हो जाओ, काली हो तो लड़का पसंद नहीं करेगा, उपटन लगाओ, मोटी हो कोई पसंद नहीं करेगा, पतली हो जाओ, पतली हो तो मोटी हो जाओ, क्योंकि फिर तुम्हारे बदन पे कपड़े जो है वो लटके हुए दिखते हैं। ऐसे बात बोल के नेगेटिव तरीके से आप उसके कॉन्फिडेंस को और आपके कॉन्फिडेंस को ख़राब कर देते हो, बिल्कुल चकनाचूर कर देते हो। सकता है कि आपकी जो बच्ची है उस पर वो बहुत अच्छी और चीज़ों में है, सिर्फ बॉडी या फिर खूबसूरती या फिर बाहरी दिखावटी सिर्फ मेन पर्पस नहीं होता ज़िंदगी जीने का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके हम चाहें ना, अगर हम थोड़ा पैसे खर्च करें तो हम खूबसूरत बन सकते हैं। अगर चाहे तो हम अपने बालों को सिल्की बना सकते हैं, पर चाहे तो हम अपने नेचर कैरेक्टर को स्वच्छ नहीं बना सकते, उसको उसके काले चीज़ों को सफ़ेद नहीं कर सकते, उसके पीछे आपका हाथ होता है। तो अपनी बच्ची के उन चीज़ों पे जो कि अनवांटेड है, उन चीज़ों को हाईलाइट करो जो कि वांटेड है, जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जवान बेटी पे कहा जाता है, बेटी के साथ कहा जाता है। अगर वीडियो बन वो सारी चीज़ें बताने जाऊंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। फिलहाल मैंने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं जो बेसिक होती है। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई भी इसके बारे में आप मुझे बताना चाहते हो या फिर इसका पार्ट टू आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।